Okay, welcome back. Student, we will continue with the same lecture. Now, we will try to identify what a partial disablement is. So, partial disablement means disablement as it reduces the earning capacity of workmen as a result of some accident. It is naturally, जैसे थोड़े समय के लिए आदमी की तबीयत खराब होगी उसको भी हम पार्शियल डिसेबलमेंट में ले सकते हैं. उसको चोट लग गई उसे रेस्ट चाहिए उसे भी पार्शियल डिसेबलमेंट बोलते हैं. ठीक है. सो पार्शियल डिसेबलमेंट मींस एनीथिंग विच इज वेरी मच टेम्पररी. ये आगे भी इसको टेम्पररी पार्शियल को भी पार्शियल का मतलब है आंशिक नॉट टोटल. थोड़ा बहुत चोट लगी है दैट्स टेकन टू बी नॉट टेम्पररी. पार्शियल डिसेबलमेंट मींस डिसेबलमेंट विच रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ वर्कमैन इन एनी एम्प्लॉयमेंट इन विच ही वॉज एंगेज्ड एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट. मान लीजिए उसके हाथ में चोट लग गई और उस चोट लगने के कारण वो पार्शली टेम्पररी थोड़े समय के लिए मान लीजिए एक वीक के लिए बट पार्शली दूसरा हाथ चल रहा बट एक हाथ नहीं चल रहा. ठीक है. उसको हम टेम्पररी पार्शल डिसेबलमेंट कहेंगे. इट कम्स अंडर पार्शल डिसेबलमेंट ओनली बट वाई इट इज कॉल्ड द मेन हेडिंग है वो पार्शल डिसेबलमेंट. और पार्शल डिसेबलमेंट टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है. सो टेम्पररी में क्या होगा बच्चों कि थोड़े समय के लिए उसकी अर्निंग कैपेसिटी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में कम हो जाएगी क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा. एक हाथ से आदमी काम नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे हाथ में चोट लगी हुई है. तीसरा है तीसरा क्या दूसरा ही है क्योंकि यह भी पार्शली है. परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट इज वन विच रिड्यूसेस दी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ वर्कमैन एवरी एम्प्लॉयमेंट. एनी और एवरी में फर्क है. एनी मतलब जो उस वक्त वो काम कर मान लीजिए एक वर्कमैन है मान लीजिए एक वेल्डर है तो वेल्डर की एक लोहे के काम में भी यूज हो सकता है किसी फैब्रिकेशन में भी हो सकता है कई जगह वो जा सकते काम कर सकता है. बट एनी और एवरी में यह है कि परमानेंट पार्शल में क्या है कि वो हर उस तरह का काम जो वो कर सकता था. एनी में क्या है जो ऑप्शंस उसके पास हैं दो तीन काम करने के. एवरी का मतलब है वो किसी भी तरह का अगर काम करना चाहे तो फिलहाल वो पार्शली परमानेंट पार्शली डिसेबल्ड है और वो काम नहीं कर सकता. जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसका अंगूठा पूरा कट के अलग हो गया अब वो परमानेंट है वो दोबारा जुड़ेगा नहीं और उसके कारण वो जो काम पहले कर सकता था हर वो काम जो वो पहले कर सकता था उसमें उसकी अर्निंग कैपेसिटी में फर्क जरूर पड़ेगा. टेम्पररी में वो ठीक हो जाएगा बट परमानेंटली वो हमेशा के लिए हो गया. अब उस डिसेबिलिटी से वो बाहर नहीं आ सकता चाहे 10% हो 20% हो वो रहेगा और वो हर एम्प्लॉयमेंट के लिए रहेगा. वो किसी भी तरह का काम करेगा. ठीक है. विच ही वॉज केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ इंजुरी यानी कि इंजुरी के वक्त जो वो हर काम करना जानता था या कर सकता था हर वो काम अब वो नहीं कर सकता और एज अ रिजल्ट देर इज अ डिक्रीज इन हिज अर्निंग कैपेसिटी. तो टेम्पररी पार्शल में कुछ एक काम जो वो कर सकता था वो नहीं कर सकता. परमानेंट पार्शल में हर काम में अब उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. तो एनी और एवरी में यह फर्क है. परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में इन कैपेसिटी ऑफ वर्कमैन फॉर ऑल द वर्क विच ही वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट एज इज नॉट एबल टू गेट जॉब एनीवेयर एल्स ड्यू टू द डिसेबलमेंट. परमानेंट टोटल मतलब अब दोनों पैर कट गए. ठीक है. तो कोई भी वर्क हो किसी भी प्रकार का वर्क हो अब वो नहीं कर सकता. परमानेंट पार्शल में डिसेबिलिटी कारण अर्निंग कैपेसिटी में फर्क तो आया बट कर सकता है काम हर. बट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में आगे जाके जो एग्जाम्पल्स होगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा. परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में वो किसी भी प्रकार का काम करने लायक नहीं रहेगा और देयर विल बी रिडक्शन इन 100% परमानेंट टोटल में 100% रिडक्शन इन अर्निंग कैपेसिटी. उसे टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट भी कहते हैं. एंड द टाइप ऑफ डिसेबलमेंट सफर्ड कैन बी डिटरमाइंड ओनली फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस. ये क्या है बच्चों लेबर लॉज में ना वर्कमैन कंपनसेशन में शेड्यूल दे रखे हैं शेड्यूल ए शेड्यूल बी मतलब ये डिटेल की चीजें हैं कुछ. तो उसमें दे हैव कैटेगराइज कि अगर ये चोट लगी है तो इतना परसेंट अर्निंग कैपेसिटी कम होगा और कंपनसेशन उस हिसाब से मिलेगा. अगर ये चोट लगी है क्योंकि अलग अलग तरीके आदमी को किसी भी प्रकार की चोट लग सकती है तो वो जो तीन मेन कैटेगरी उभर के आती है चार
वो यही है कि पार्शियल, टेम्परी पार्शियल, परमानेंट पार्शियल एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, बेस्ड ऑन दिस कंपनसेशन शैल बी पेड, और उसका फॉर्मूला होगा जो आगे जाके हम करेंगे, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है जिसको हम आगे जाके करेंगे। सो फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की चोट लगी है, उसी के अनुसार उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम होगी जो शेड्यूल में दे रखा है, अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, और उसी के हिसाब से उसको कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा। नाउ हियर इज अ डिपिक्शन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम शेड्यूल वन पार्ट वन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी। नाउ यहां पे 100% लॉस, ये परमानेंट इंजरी है, परमानेंट टोटल है इसमें, अब उसकी अर्निंग कैपेसिटी 100% इट इज कमिंग डाउन। सो लॉस ऑफ बोथ हैंड, लॉस ऑफ हैंड एंड फुट, लॉस ऑफ आई साइट, एब्सोल्यूट डेफनेस, इनको ये फिक्स चीजें हैं लॉ में, यानी कि ये ऑलरेडी दी गई है शेड्यूल में, तो इनको 100% माना गया है, और जो कंपनसेशन मिलेगा वो 100% लॉस ऑफ अर्निंग के हिसाब से ही दिया जाएगा, राइट। दूसरा पार्ट टू में दे रखा है जो पार्शियल टेम्पररी है, ठीक है, जिसमें कि आदमी की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है बट 100% नहीं कम हुई है, अलग अलग परसेंटेज में उसको यू हैव टू जज इट इन डिफरेंट परसेंटेजेस, फॉर एम्पिचुएशन थ्रू शोल्डर जॉइंट, एम्पिचुएशन यानी कि हाथ काटना पड़ा है मेडिकली, उसे सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसे में 90% डिसेबिलिटी मानी गई है, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी माना गया है। लॉस ऑफ थंब, क्योंकि अंगूठे के बिना बाकी उंगलियां काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती, तो 30% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, तो जो कैलकुलेशन होगा इसका कॉम्पनसेशन का वो 30% के हिसाब से होगा। उसी तरह लॉस ऑफ फोर फिंगर्स एंड हैंड 50% माना गया है, लॉस ऑफ टू फिंगर्स 20% माना गया, एम्पिचुएशन ऑफ हिप यानी कि हिप से पैर को काटना पड़ा है, दैट इज 90%, ठीक है। तो ये कुछ प्रीडिटर्मिंड चीजें हैं जो कि लॉ में दी गई हैं, और अकॉर्डिंगली इंसान को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा बेस्ड ऑन वेरियस फॉर्मूलाज, उसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं विच वी विल गेट थ्रू लेटर, और वो सारे न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। सो वी एंड ओवर हेयर ओनली।